आपके डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे थे, तो क्या ये क्या है कुदरती? देखिए ये उनकी डेथ होना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि कोई पूरी टीम उनके लिए बहुत अच्छे से लगी थी, जी जान की बाजी लगा रही थी, उनको अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनका जब पेशेंट एडमिट किया गया था उस समय से उनकी कंडीशन नाजुक बनी थी, क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन था, परफोरेशन के कारण जब आई थी उस समय साफ कंडीशन में आई थी, और उस समय इनको हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था और उसको TLC था 1300 केवल था, तो उनकी कंडीशन ख़राब थी ज़्यादा, उसको ऑपरेशन तत्काल नहीं किया जा सकता था, एनेस्थीसिया से बोले पहले इंप्रूव होने के बाद ही एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, अदर एनेस्थीसिया देने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको ट्रीटमेंट दिया गया, जब कंडीशन बेटर हुई फिर हीमोग्लोबिन कम होने का ब्लड दिया गया, तब उनको पूरी टीम में उसमें 4 सर्जन मौजूद थे साथ में, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो बीमारी थी परफोरेशन के कारण साफ कंडीशन थी और पूरे बॉडी में इन्फेक्शन था, इसके कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी, बीच में थोड़ा सा वेंटिलेटर लगाया गया था, बीच में इम्प्रूवमेंट हुआ था, फिर कल दिन से उनकी स्थिति फिर खराब होने लगी और उनके बॉडी इन्फेक्शन के साथ बढ़ती आकर जाने लगी, BP भी बहुत मुश्किल से मेंटेन हो रहा था और वो उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया था, जिसके कारण अच्छा वेंटिलेटर पहले थी तो उसमें वेंटिलेटर में भी सिचुएशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था, यह था इनको लॉन्ग टर्म में इनको जरूरत पड़ सकती है वेंटिलेटर रखने के लिए, तो ज़्यादा समय रखने के लिए फिर ट्यूब जो मुँह से उस पर उस ट्यूब दिया लगाया जाता है तो उसके स्थान पर ही किया जाता है, कि उस समय प्लानिंग करें तो मुझे मालूम है DKSP की बात हुई ऑपरेशन, वो भी उससे कंसर्न लिया जाता है कि ट्यूब ओरल से न डाल के उसको एक DKSP करके वहाँ डाल दिया जाए डायरेक्ट, तो ठीक रहता है, उससे और अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं थे, और अलग से कोई ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, जो भी परफोरेशन था सील कर दिया गया था और अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो दूसरा कोई ऑपरेशन उसी को लोगों ने कहा होगा कि ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन DKSP वो भी एक ऑपरेशन है और कोई बात, लेकिन ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारा प्रयास सफल नहीं रहा, हमारी पूरी टीम सभी स्पेशल लगे थे, कल मैं स्वयं सभी स्पेशल भेजा, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डेवलप हो रहा था तो पल्मोनरी मेडिसिन के देखे, और एनेस्थेटिस्ट जो आईसीयू के इंचार्ज हैं डॉक्टर नीलम प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्वयं कई बार जो मैं मॉनिटरिंग किया मैं स्वयं गया, ये सर्जन है वो भी गए, फिजिशियन मैं वहाँ उनको भेजा, फिजिक कोई भी दवा कि देखा जाए उनको कल्चर जो रेस्पिरेटरी वहाँ था उसको कल्चर के लिए भेजा गया, जो बेस्ट बात तो जो एंटीबॉडी हो सकती थी जिससे सेंसिटिव साइट को दिया जा रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी हम लोगों के हाथ में नहीं है, कभी कभी हम लोग नहीं बचा पाते थे, लेकिन इसका अफसोस होता है।